दारू पीधेली हालत में मेघाणीनगर पुलिस एक युवक की शुक्रवार धरपकड़ की, परंतु दिवसे जामीन न मरता सेंट्रल जेल मोकलवामां त्यारबाद सोमवार जामीन मरता परिवारजनों जेल पहुंचा था, ज्यां जाण थई कि युवक नुं मृत्यु थयुं छे। परिवार नो आरोप छे कि तेनी हत्या करी देवामां आवी अने तेना शरीर पर इजाना निशान पण छे। अमदावाद बहुचर्चित बिल्डर हनीफ दाढी हत्याकांड की तपास हवे सीआईडी क्राइम ने सौंपवामां आवी छे। त्यारे सीआईडी क्राइम में तपास की शुरुआत करीने घटनास्थले जई समग्र हत्याकांड रिकन्स्ट्रक्शन कर्युं हतुं। सप्टेम्बर 2016 में जबालपुर डेपो पास आ हत्या थई हती, जे समग्र घटना सीसीटीवी में पण कैद थई हती। स्कूटर पर बे अजाण्या शख्सोए आवी बिल्डर हनीफ शेख पर बे राउंड फायरिंग करी तेनी हत्या करी हती। शुरुआत में घटना की तपास सुकर क्राइम ब्रांच ने सौंपवा, परंतु घटना ने 2 वर्ष जो समय वीती गया होवा छता क्राइम ब्रांच ने कोई कड़ी न मिली। आखिर तपास सीआईडी क्राइम ने सौंपवा। आ चकचारी हत्याकांड की तपास में सीआईडी क्राइम में एक एसआईटी नु पण गठन करवामां आव्युं छे। जूनागढ़ जिलाना माड़ियाहाटीनामा नकली जंतुनाशक दवानो जत्थो झड़पाया बाद गणतरीना ज कलाकोमां वधु एक जंतुनाशक दवानो कौभांड झड़पायो छे। जूनागढ़ खेती नियामके शहेरना जोशीपरामां आवेला एक अपार्टमेंटमां दरोड़ा पाड्या अने दरोड़ा दरमियान 42,000 नकली जंतुनाशक दवाओ जप्त करी। माड़ियाहाटीनामा शिवम कॉम्प्लेक्समां एक रहेणाक मकानमां नकली दवाओनो कारोबार चालतो हतो। नकली दवाओमां झड़पायेला कर्मचारीनुं कहेवुं छे कि ते सन एग्रोकेमिकलमां मार्केटिंगनुं काम करे छे अने आ तमाम कारोबार राजकोटना राजेश रूपापरा चलावे छे, जे हाल तंत्रनी पकड़थी बहार छे। वडोदरा सावली तालुकाना राणीज गाम में गटरमांथी एक शख्स की लाश मळी। स्थानिकोए मृतदेह ने जोई पोलिस ने जाण करी। मौत आपघात छे के हत्या ते अंगेनुं कारण जाणवा माटे हवे युवानना मृतदेह ने होस्पिटल खसेड़ायो हतो। जामनगरना ससोई डेम पास पंप हाउस पाइपलाइन में फसाई जता एक युवानुं मौत थयुं। घटना की जाण थता फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थले पहुंची गई थी अने स्थानिकोनी मदद थी मृतदेह ने बहार काढवामां आव्यो हतो। वापीना लवाचा नजीक सेलवासना उद्योगपतिना पुत्र पर जीवलेण हुमलो करवामां आव्यो। स्कॉर्पियो कार में आवेला अजाण्या शख्से उद्योगपतिना पुत्र पर हुमलो कर्यो। हुमला में गंभीर रीते घायल युवाने सेलवासनी होस्पिटल दाखल करायो। अमदावादना शास्त्रीनगर ब्रिज पास 5 किलो गांजा साथ एसओजीए एक आरोपी की धरपकड़ करी। आरोपी रांचरडा गाम की महिलाए आ गांजो आपवानो हतो, जो कि आरोपी पोतानी करतूत में सफल थाय ते पहला पोलीसे तेने झड़पी पाड्यो। सूरत सिविल हॉस्पिटल में तैयार करायेला स्वाइन फ्लू ओपीडी रूम नंबर 6 में सीलिंग तूटी पड़ता बे महिलाओं घायल थई। सारवार माटे तात्कालिक ट्रोमा सेंटर में खसेड़ाई। सेलवासनी बंने महिलाओं ने मोढ़ा और माथाना भागे इजाओ पहुंची। हळवदना सराचोकड़ी पास ध्रांगध्राना धारासभ्य परसोत्तम साबरिया की कार ने अकस्मात नड़ियो। आ दुर्घटना में कोई जानहानि सर्जाई न हती। धारासभ्य की कार एसटी बस साथ अथड़ाई हती। बोटादना कुंडल गाम में आवेली लिंबड़ी ब्रांच केनाल में एक युवान डूब्यो। केनाल पर लगावायेला पानी खेंचवानुं मशीन रिपेरिंग करता पग लपसी जवाथी केनाल में डूब्यो होवानुं जाणवा मळ्युं, जेथी युवानी शोधखोळ शुरू कराई। गढ़रा बोटाद रोड पर आवेली कपासना गोडाउन में शोर्ट सर्किटना कारणे आग लागी हती, जेनी जाण कराता पुलिस अने फायर की टीम घटनास्थले पहुंची हती। बे फायर टीम की गाड़ियों द्वारा आग ने काबू में लेवाई हती। सूरत में एक आदरना कोई स्त्री साथ अश्लील फोटा वायरल कर खंडणी मांगना शख्सों ने पुलिस झड़पी पड़ा। आरोपी शख्सोए निवृत्त बैंक अधिकारी जबरदस्ती थी कोई स्त्री पास कटंगी हालत में फोटा पड़ाया, जे बाद ते फोटोज वायरल करने की धमकी आपी 7,50,000 रूपया पड़ा लीधा। बनासकांठा में देवदर बायोडीजल पंप पर तोलमाप अधिकारीए दरोड़ा पड़ा, जेमा मापिया वगर थतुं हतुं बायोडीजल वेचाण। एटलू ज नहीं, बिलबुक अने परवानगी वगर बायोडीजल गैरकायदे वेचाण थतुं हतुं। धारीना दलकाणिया रेन्ज में 23 सिंहोना मौत ने लईने राज्य सरकारे हाईकोर्ट में 2 अलग सोगंदनामा रजू कर्या। पहला सोगंदनामा में 17,000 खुला खुबाओं ने ढांकवा माटे सेवा सेतु कार्यक्रम में खेडूतों ने जागृत करवामां आवशे अने 16,000 प्रति खुबा दीठ सबसिडी आपवा अंगे सरकारे कोर्ट ने जणाव्युं। तो बीजा सोगंदनामा में वायरस कारण सिंहों थे मौत बाबते राज्य सरकारे
કોર્ટ સમક્ષ સ્પષ્ટતા કરી. મોત રિપેટેડ આ 23 17 સિંહના મોત વાયરસ ઇન્ફેક્શન અને બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શનના કારણે થયા હોવાનું દર્શાવ્યું. 3 સિંહો ઇન્ફાઇટથી ભર્યા હોવાનું જણાવ્યું અને 3 સિંહોના મોતનું કારણ જાણી ન શકાયું હોવાનું સોગંદનામામાં રજૂ કર્યું. સરકારના સોગંદનામા પ્રમાણે 33 સિંહોને સરસિયા ડિવિઝનથી ખસેડીને રેસ્ક્યુ સેન્ટર લઈ જવાયા છે. જંગલ વિભાગે 140 ટીમની રચના કરી 550 જેટલા ઓફિસર્સને સિંહની બીમારી કે રોગ વિશે સર્વે કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે અને 600 જેટલા સિંહોનો સર્વે એક્ઝામિનેશન અને એનાલિસિસ પણ કરાયો છે.